हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इल्म और जिक्र की। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस्लामिक मालूमात है। जितना आपको हम बता रहे हैं दूसरे को भी आप जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे वर्ल्ड इन्फो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दफा हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान सीखो और लोगों को सिखाओ, इल्म सीखो और लोगों को सिखाओ, फर्ज अहकाम सीखो और लोगों को सिखाओ, क्योंकि मैं दुनिया से उठा लिया जाऊंगा और इल्म भी अकरीब उठा लिया जाएगा, यहां तक कि दो शख्स एक के फर्ज हुक्म के बारे में इख्तिलाफ करेंगे और इल्म के कम हो जाने की वजह से कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो उनको फर्ज हुक्म के बारे में सही बात बताए। हजरत अबू उमामा बहरी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो, इल्म के वापस लिए जाने और उठा लिए जाने से पहले इल्म हासिल कर लो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने और पढ़ने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।